नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और अपने बात कर रहे थे 1 से 15 जून तक जितनी भी वैकेंसी हैं उनके बारे में, उनके शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। डिटेल नोटिफिकेशन आप पहले हम वीडियो बना चुके हैं, तो चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी न्यू नर्सिंग एंड पैरामेडिकल वैकेंसी 2023 के नाम से, उस पर क्लिक कर दीजिए, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो पार्ट फर्स्ट में कुछ वैकेंसियों की अपने चर्चा की थी, और पार्ट सेकंड इसमें भी कुछ जो वैकेंसी हैं 15 जून तक उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अरुमिगु मोसाई अमान टेंपल के अंदर ही वैकेंसी निकली है, और इसमें देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर की 2 पोस्टें थी, MBBS की है तो अप्लाई कर सकते हैं, स्टाफ नर्स MLHP की 2 पोस्टें थी, इसके लिए GNM या ANM की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल वर्कर या अटेंडर की 2 पोस्टें थी, 8वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के जो एज क्राइटेरिया वो 40 साल रखा गया है। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के आधार पे होगा। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर 6,000 से लेकर 75,000 रुपये तक पेमेंट मिलेगी, यानी अलग अलग पोस्टों के आधार पर अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी जो सैलरी है वो मिलने वाली है। इसके लिए जो अरुमिगु मोसाई अमन टेम्पल है उसके ऑफिशियल साइट पर जाना है, अप्लीकेशन फॉर्म में डाउनलोड करना है, पूर्ण रूप से फिलअप करना है, जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं उनको सेंड कर देना है लिफाफे के अंदर डालकर, और सेंड करने का एड्रेस रहेगा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरुमिगु मोसाई अम्मा टेम्पल और कोयम्बटूर, ये इसके पिन कोड है, यहाँ पर सेंड कर देना है। इसकी सेंड करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 11 जून 2023 को। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी निकली है NHM के द्वारा, जो नेशनल हेल्थ मिशन है थिरुवनंतपुरम, उसके द्वारा ये वैकेंसी निकली है। अलग अलग प्रकार की पोस्टें हैं इसमें, देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर की 1 पोस्ट है, MBBS डिग्री होनी चाहिए, साइटोटेक्नीशियन की 1 पोस्ट है, DMLT का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, BASLP का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, एडोलसेंट हेल्थ काउंसलर की 1 पोस्ट है, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन काउंसलिंग साइकोलॉजी सोशल वर्क साइकेट्रिक नर्स की हुई होनी चाहिए डिग्री, VBD कंसल्टेंट की 1 पोस्ट है, डिप्लोमा या BSc नर्सिंग के तो अप्लाई कर सकते हैं, स्टाफ नर्स पैलेटिव की 1 पोस्ट है, इसके लिए BSc नर्सिंग या GNM की तो अप्लाई कर सकते हैं, एज अब 62 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका जो सिलेक्शन और इंटरव्यू बेस पे होगा, पर मंथ जो पेमेंट है वो 14,000 से 41,000 रुपये आपको मिलने वाली है। कोई भी कैंडिडेट हो उसके लिए 250 रुपये फीस रहेगी। अप्लाई करने के लिए NHM थिरुवनंतपुरम की ऑफिशियल साइट पर जाना है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है, अप्लीकेशन फॉर्म है उसको पूर्ण रूप से फिलअप करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उनको अपलोड कर देना है, उसके बाद फीस जमा करवानी है और फाइनली सबमिशन कर देना है, सबमिट कर देना है। ये 12 जून 2023 तक आप सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो ये भी NHM के द्वारा निकली है, ये NHM दुल्हे के द्वारा निकली हुई वैकेंसी है। अगर इसमें बात करते हैं पोस्टों की तो यहाँ पर देख सकते हैं RBS की मेडिकल ऑफिसर की 9 पोस्ट है, इसके लिए BAMS डिग्री की है तो अप्लाई कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की 1 पोस्ट है, डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपी के अंदर, मेडिकल ऑफिसर की 8 पोस्ट है, इसके लिए MBBS डिग्री होनी चाहिए, डेंटल सर्जन की 3 पोस्ट है, इसके लिए BDS या MDS डिग्री की है तो अप्लाई कर सकते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट है, इसके लिए डिग्री इन ऑडियोलॉजी होनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ मैनेजर की 5 पोस्ट है, इसके लिए MPH MHA MBA इन हेल्थ के अंदर कोई भी डिग्री करके तो अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की 16 पोस्ट है, इसके लिए डॉक्टर ऑर्थो MS ऑर्थो MD MS DGO DNB ये जो डिग्रियाँ होती हैं वो की हुई होनी चाहिए, मेडिकल ऑफिसर की 1 पोस्ट है, MBBS डिग्री चाहिए, स्टाफ नर्स की 2 पोस्ट है, इसके लिए GNM या BSc नर्सिंग की हुई होनी चाहिए, लैब टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है, इसके लिए DMLT का कोर्स है किया हुआ होना चाहिए। एज की बात करते हैं तो एज है यहाँ पर 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। एज की काउंटिंग 30 मई 2023 को आधार मान के की जाएगी। सिलेक्शन आपका रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू के आधार पे होगा। पेमेंट है वो 17,000 से लेकर 60,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। अप्लीकेशन फीस अनरिजिडो की 150 रहेगी, रिजिडो कैटेगरी के लिए 100 रुपये फीस रहेगी। अप्लाई करने के लिए NHM धुले की ऑफिशियल साइट पर जाना है, अप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करना है, पूर्ण रूप से फिलअप करना है, फीस डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमा करानी है, डिमांड ड्राफ्ट की यहाँ पर कॉपी लगानी है, ओरिजिनल लगाना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट, जितने भी जो एलिजिबिलिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं या रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी 1 लीजिए, और फॉर्म के साथ उनको एक लिफाफे में डालकर
NHM डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अवार साकरी रोड धूले के अंदर आपको सेंड कर देना है। लास्ट डेट इसकी रहेगी 12 जून 2023 को। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो ये भी अपने निकली है नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर NHSRC के द्वारा। और इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर एक पोस्ट है, सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट है। इसके लिए BSc नर्सिंग, BAMS, BDS या MBBS किए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज अब 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। सिलेक्शन है वो आपका इंटरव्यू के आधार पे होगा। पेमेंट है वो 9000 से लेकर 15000 रुपये आपको मिलने वाली है। अप्लाई करने के लिए NHRC की ऑफिशियल साइट पे जाना है और उसके बाद यदि रजिस्ट्रेशन किया है तो ID और पासपोर्ट के द्वारा लॉगिन कीजिए, वरना रजिस्ट्रेशन कीजिए पहले। उसके बाद अप्लीकेशन फॉर्म उसको पूर्ण रूप से फिलअप कीजिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे उनकी स्कैन कॉपी वहाँ पर अपलोड कर दीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। लास्ट डेट इसकी रहेगी 13 जून 2023 को। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी भी NHM रायपुर के द्वारा निकली हुई है और इसमें अगर बात करें तो अलग अलग प्रकार की पोस्ट हैं। जैसे देख सकते हैं NM की 3 पोस्ट हैं, इसके लिए इंटरमीडिएट या NM किया होना चाहिए। साइकेट्रिक नर्स की 1 पोस्ट है, इसके लिए डिप्लोमा BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग किया तो अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल असिस्टेंट के लिए 10वीं पास होनी चाहिए। TB/HB की 1 पोस्ट है, 12वीं या डिग्री की होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। नर्सिंग ऑफिसर की 8 पोस्ट हैं, इसके लिए BSc नर्सिंग या GNM की हुई होनी चाहिए। सिक्योरिटी पर्सनल की 4 पोस्ट हैं, 10वीं पास होनी चाहिए। ब्लॉक डाटा मैनेजर की 1 पोस्ट, इसके लिए डिग्री PGDC होनी चाहिए। सेक्रेटरी असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, इसके लिए डिप्लोमा होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री होनी चाहिए या फिर। फिजियोथेरेपिस्ट की 1 पोस्ट, इसके लिए BPT यानी बैचलर फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। क्लास 4th की 10 पोस्ट हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 7 पोस्ट हैं, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की 5 पोस्ट हैं। इनके लिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। सेक्रेटरी असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, इसके लिए डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। NM की 6 पोस्ट हैं, इसके लिए 12वीं पास और NM का कोर्स किया तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद HWSC सांगुरवारी की 2 पोस्ट हैं, डिग्री है MS जो मल्टी स्पेशलिस्ट वर्कर का कोर्स होता है वो किया हुआ होना चाहिए। पीयर सपोर्टर की 2 पोस्ट हैं, 12वीं पास होनी चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर की 8 पोस्ट हैं, इसके लिए BSc नर्सिंग की हुई होनी चाहिए। स्टाफ नर्स NRC की 1 पोस्ट है, इसके लिए भी BSc नर्सिंग की हुई होनी चाहिए। क्लीनर हाउसकीपिंग स्टाफ, इनके लिए 8वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 और 1 3 पोस्ट हैं। नर्सिंग ऑफिसर NU/HM की 5 पोस्ट हैं, BSc नर्सिंग की है तो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट PSC लेवल की 6 पोस्ट हैं, इसकी इंटरमीडिएट उसके बाद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज है वो 21 से 70 साल के बीच में तो अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन रिटर्न और इंटरव्यू के आधार पर होगा। पर मंथ जो पेमेंट है वो थोड़ी सी कम है, यहाँ पर 8,800 से लेकर 31,500। लेकिन NHM के अंदर काम करने का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो जल्दी मिलता है और अनुभव के नंबर भी ज़्यादा काउंट होते हैं। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल साइट NHM रायपुर की विजिट करना है, नोटिफिकेशन चेक करना है, अप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करना है और उसको पूर्ण रूप से फिलअप कर देना है और जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगाकर आपको भेज देना है ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। और इसकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी 14 जून 2023 को। फॉर्म स्टार्ट होते 24 मई 2023 को। नेक्स्ट वैकेंसी निकली एम्स जोधपुर के द्वारा, परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसी है, ठीक है। अगर इसमें बात करते हैं तो टोटल 99 पोस्ट हैं। इसके लिए BSc नर्सिंग की हुई होनी चाहिए। एज है वो 21 से 35 साल के बीच में तो अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑनलाइन इंटरव्यू इन सभी के द्वारा होगा। पेमेंट है वो 47,600 से लेकर 1,51,000 पर मंथ आपको मिलेगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 3,000 रहेगी। SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 2400 रुपये फीस रहने वाली है। अप्लाई करने के लिए एम्स की ऑफिशियल साइट पे जाना है और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है, ID और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर देना है। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनको स्कैन करके अपलोड कर देना है, फीस सब जमा करवानी है, उसके बाद चेक करके उसको सबमिट कर देना है। लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 15 जून 2023। स्टार्ट हुए थे 16 मई 2023 से। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो निकली है चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय,
CNBC के द्वारा। कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, एक पोस्ट है स्टाफ नर्स की। इसके लिए जीएनएम में BSc नर्सिंग के अप्लाई कर सकते हैं। एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन है वो वोकन इंटरव्यू के आधार पर होगा। पर मंथ जो पेमेंट अभी 1500 मिलेगी। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे जाना है CNBC की, वहाँ से नोटिफिकेशन को वेरीफाई कर लेना है और फॉर्म दिया है वो फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके साथ जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपी लगाकर आपको वोकन इंटरव्यू में शामिल होना है। वोकन इंटरव्यू का वेन्यू रहेगा गीता कॉलोनी न्यू दिल्ली, और ये इसके पिन कोड यहाँ पर रहने वाला है। वोकन इंटरव्यू की बात करें तो 15 जून 2023 को सुबह 11 से 12 PM तक ये होने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी निकली है NHM गरियाबंद की द्वारा। गरियाबंद छत्तीसगढ़ के अंदर है, उसके द्वारा वैकेंसी निकली है। इसमें देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर की 12 पोस्टें हैं और स्टाफ नर्स की 25 पोस्टें हैं। इन सभी के लिए BSc नर्सिंग या GNM कोर्स कर रखा है, साथ में छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की एक पोस्ट है, इसके लिए BPT यानी बैचलर इन फिजियोथेरेपी टेक्नोशियन का कोर्स है वो किया हुआ होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर आयुष मेल की 3 पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर आयुष की फीमेल की 1 पोस्ट है। इन सभी के लिए BHMS, BUMH, BAMS के कोर्स की किया हुआ है डिग्री की हुई तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डेंटल असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, 10वीं पास होने चाहिए या 12वीं पास होने चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। क्लीनर की 1 पोस्ट है, अटेंडेंट की 1 पोस्ट है, इनके लिए कम से 8 पास और 10वीं पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सपोर्ट स्टाफ जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इनकी देख सकते हैं क्रमशः 2 और 12 पोस्ट है, 8वीं और इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी की 2 पोस्ट है, इसके लिए डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। क्लास 4 की 8 पोस्ट है, 10वीं पास होनी चाहिए। MPW की 8 पोस्ट है, 12वीं पास होनी चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 43 पोस्ट है, इसके लिए BSc नर्सिंग कोर्स किया तो अप्लाई कर सकते हैं। टेक असिस्टेंट हियरिंग इम्पायर्ड चिल्ड्रन के लिए 1 पोस्ट है, डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 2 पोस्ट है, इसके लिए DMLT या BMLT का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। ब्लड बैंक काउंसलर की 1 पोस्ट है, ब्लॉक मैनेजर अकाउंटेंट की 2 पोस्ट है, तो इनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन या रिलेवेंट फील्ड के अंदर डिग्री होनी चाहिए। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की भी 1 पोस्ट है। STA काउंसलर की 1 पोस्ट है, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और रिलेवेंट फील्ड के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। ICTC लैब टेक्नीशियन की 3 पोस्ट है, इसके लिए BSc, MLT या DMLT का जो कोर्स होता है डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स वो किया हुआ होना चाहिए। एज है वो 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसके बाद अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो रिटन टेस्ट मेरिट के आधार पर, स्किल टेस्ट के आधार पर, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। पे स्केल की बात करें तो 8800 लेकर 25000 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाला है। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो वो जिन पोस्ट की 25000 से कम सैलरी है उनके लिए दिव्यांगजन SC ST वोमेन कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फीस, OBC के लिए 200 रुपये फीस, अनरिजर्व के लिए 300 रुपये फीस रहेगी। और ऐसी पोस्ट है जिनकी फीस है वो 25000 से कम है तो उनके लिए 25000 से ज़्यादा है उनके लिए दिव्यांगजन SC ST वोमेन कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये फीस, OBC के लिए 300 रुपये फीस, अनरिजर्व के लिए 400 रुपये फीस यहाँ पर रहने वाला है। अप्लाई करने के लिए NHM गरियाबंद की ऑफिशियल साइट पे जाना है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, अप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड करना है, पूर्ण रूप से फिलअप करना है और जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड लगाकर आपको सेंड कर देना है ऑफिस ऑफ चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट गरियाबंद छत्तीसगढ़ के अंदर, ये एड्रेस रहेगा। लास्ट डेट इसकी रहेगी 15 जून 2023 को। तो दोस्तों ये थी अपने 2023 के अंदर 1 जून से लेकर 15 जून तक निकली हुई वैकेंसी की, और जल्द ही हम 16 से लेकर 30 जून तक जो वैकेंसी निकली है उनकी एक वीडियो कंबाइंड बना देंगे। बाकी इनकी डिटेल्स जो वीडियो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल का जो लिंक है या उस पर आपको जाना है, और जाने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी न्यू नर्सिंग एंड पैरामेडिकल वैकेंसी 2023 के नाम से, उस पर क्लिक करना है, सारी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। तो अपने फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी, एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।